मैं फोजिया कमल आज आप लोग को सीटी पे लोटस यानी कमल का फ्लावर बताऊंगी। यह आप देख रहे हैं कि मैंने सीटी पे लोटस फ्लावर अरेंज किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हैंग करने का ही बताया था। मैं दोनों अरेंज करके बताऊंगी कि ये मैंने स्टैंड में रखा है और अगर दीवार पे मैं हैंग करूँ तो कैसा लगता है। तो आइए फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सीटी विथ लोटस फ्लावर बनाने के लिए हमें सीटी चाहिए। इस पर मैंने स्काई ब्लू कलर टर्कवाइज कलर किया है। ग्लू चाहिए, वायर चाहिए हमें। इसके अलावा हमें जाहिर बात है लोटस फ्लावर बना रहे हैं डो से, तो डो चाहिए। तीन कलर में हमें पिंक और येलो और ग्रीन कलर चाहिए हमें। तीन शेप चाहिए हमें लीफ के, कटर देख सकते हैं आप, तीन शेप है इसमें। टूल चाहिए हमें इटालियन डो की टूल्स, सीजर्स और लीफ एक्सप्रेशन। फोम का छोटा सा पीस चाहिए। तो आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लोटस फ्लावर बनाने के लिए हम सबसे पहले बर्ड बनाएंगे येलो कलर से। छोटा सा डो लेंगे हम येलो कलर में और ड्रॉप शेप में सबसे पहले बर्ड लेंगे। वायर में ग्लू लगा के इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा शेप दे दीजिए नीचे से, लेवल कर लीजिए ऊपर से और टूल की हेल्प से पिंच करेंगे। छोटा सा और एक पीस लेंगे येलो कलर डो का और इसको एक स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। छोटा सा स्ट्रिप लेंगे हम कटिंग टूल से, इसको कट कर लेंगे हम। कभी स्टिक हो जाता है हमारा टूल से, हम इसके हेल्प से उठा ले सकते हैं और फिर इसको थिन करेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से। एक साइड से हमें कट करना है, पूरा नहीं कट करना है, छोटा छोटा हमें कट करना है। और जो हमने बर्ड इंसर्ट किया है वायर में, नीचे से हम इसको रैप कर देंगे। नीचे से थोड़ा सा शेप दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे हम। बर्ड अब रेडी है हमारा। लोटस फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले पिंक डो को फ्लैट करके सबसे स्मॉल साइज में जो कटर है उसकी कटिंग करेंगे हम। तीन या चार हमें पेटल चाहिए। सबसे पहले फिंगर से थिन करेंगे, राउंड राउंड करके हाथ से फिंगर की हेल्प से उसके कॉर्नर्स को हम थिन करेंगे। ये लीव एक्सप्रेशन है, हाथ से दबा के हम उस पर लीव एक्सप्रेशन देंगे। हमने येलो बर्ड के साथ जो वायर तैयार किया था उस पर नीचे से ग्लू लगाएंगे, सिर्फ नीचे हम लगाएंगे ग्लू। और ये लीफ हम उसमें लगा देंगे। टर्न कर लेंगे फिंगर से, ऊपर ग्लू नहीं लगाएंगे, नीचे से सिर्फ ग्लू लगा के इसको स्टिक करेंगे। बची है
नज़र आ रहे थे उसको कवर करने के लिए मैंने ये फोर्थ पेटल भी लगा लिया, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए हैं उसको हम नीचे से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फोर पेटल का रेडी है। अब हम मीडियम साइज के पेटल लगाएंगे, चार हमने स्मॉल साइज के पेटल लगा लिए। अब हम मीडियम साइज के पेटल की कटिंग करके इसको अरेंज करेंगे चारों तरफ। इसमें हम बड़े पेटल लगाएंगे, स्मॉल और मीडियम साइज के पेटल हम लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमने लार्ज पेटल कटर रखा है, उससे कट करके आपको कटिंग का तरीका ही बता दिया हमने पहले ग्लू की हेल्प से। अब हम इसको अरेंज करेंगे। इस फ्लावर के लीव के लिए हमें ग्रीन डो चाहिए, उसको हम बिल्कुल फ्लैट करेंगे टूल की हेल्प से, बिल्कुल पतली चपाती की तरह बनाना है हमें, पतला करना है। और कोई भी बड़े साइज का आपके पास ग्लास हो ताकि साइज हमारा बड़ा आए लीव का, कट कर लेंगे हम ग्लास ऊपर रख के। ये देखिए हमारे पास कट होके आ गया है इस साइज में। अब हम फोम के ऊपर रख के इसके चारों तरफ थिन करेंगे इसके लेयर को। हमारे पास टूल है, अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप दो फिंगर की हेल्प से कॉर्नर सारे पतले कर लीजिए। और फिर अपनी हथेली पे रखकर इटालियन डो की टूल से इसके कॉर्नर्स को और थिन करना है ताकि वेव बन जाए। पीसीडी पे हमें ग्लू लगाना है, जहाँ सेंटर में होल है वहाँ हमें ये लीव रखना है और फिर ग्लू लगा के हम इसको स्टिक कर देंगे। पूरे तौर पे नहीं चिपकाना, थोड़ा सा उभरा हुआ उठा हुआ होना चाहिए। हाथ से सेटिंग कर लीजिए। सीडी पे हमने लोटस लीव अरेंज कर दिया है, जो होल है सीडी का वो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है हमारा। अब उस सेंटर पॉइंट पे हम ये फ्लावर वायर के साथ ये इंसर्ट करेंगे और एक दो घंटे इसको रहने देंगे एज इट इज। ग्लू लगाएंगे नीचे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, और एक दो घंटे बाद हम नीचे से वायर को खींच लेंगे। अभी इसको हम ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और मजबूत हो जाए। ये सीडी पे हमने लोटस फ्लावर यानी कमल का फ्लावर हमने बना के अरेंज किया है। ये मैंने इसका बर्ड बनाया है। बड़े पेटल्स डालने से पहले हम जो तीन चार छोटे पेटल्स बनाते हैं, इस तरह आप इसके बर्ड्स बना सकती हैं। ये लीफ के साथ हमने अरेंज किया है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंड के साथ आप कैसे रख सकती हैं सीडी को, और ये मैंने अब हैंग किया है। दोनों तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, डेकोर कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।